अगर कोई समाज अपने इतिहास से कट जाता है तो वो कटा हुआ समाज कटी हुई पतंग की तरह कभी ऊपर नहीं जाता है, उसका गिरना तय होता है। हम सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं, हर कोई इस देश के लिए काम करने वाला दल कोई भी हो, हमारा विरोध भी क्यों न किया हो, लेकिन जिसने देश की सेवा की उसका सम्मान होना चाहिए। उड़ीसा के पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर पिछले साल हमने जिसमें शामिल रहे अमर बलिदानियों को याद किया। कुछ दिन पहले सर छोटू राम की प्रतिमा के अनावरण के लिए मैं रोहतक में था। उनके जैसे बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में लोगों को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कृषि, सिंचाई, शिक्षा और भूमि सुधार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य किया था। इसी तरह हमारी सरकार बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ के लिए भी काम किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 महत्वपूर्ण स्थल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की अलग अलग समय की बात को हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इतना ही नहीं, हमने ये भी तय किया कि आजादी के जंग में 1857 से लेकर के हमारे आदिवासी भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा को कौन जानता था, भुला दिया गया था। हमने तय किया है हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने देश की आजादी के जंग में जो जान की कुर्बानी की है उसके इतिहास को लेकर के, ऐसे राज्य जहां आदिवासी जनसंख्या है, जहां ऐसी घटना है, वहां म्यूजियम बनाए जाएंगे। काम तेजी से चल रहा है और अब से कुछ दिनों के बाद 21 अक्टूबर को लाल किले की प्राचीर से होने वाले झंडारोहण समारोह में शामिल होने का भी मुझे सौभाग्य मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि 31 अक्टूबर को लाल किले पर ये झंडारोहण क्यों भाई? मुझे मालूम है कुछ लोग इसकी भी आलोचना करने वाले हैं, वो न जाने मेरे बाल नोच लेंगे, लेकिन करेंगे। इस दिन का महत्व क्या है 21 अक्टूबर का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर 2018 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रखे हैं।